अबे का ये लास्ट वीक ऑफ ईयर टू है ना अबे, एंड अबे बिकमिंग ईयर थ्री बॉय. दिस इज लास्ट वीक ऑफ द स्कूल. राम सीताराम टू एवरीवन. अबे को स्कूल ड्रॉप कर दिया, ये लास्ट वीक है, इसके बाद स्कूल क्लोज 6 हफ्ते के लिए. सेम रूटीन है, मंडे है आज, मंडे मॉर्निंग. आई एम रियली रियली हैप्पी. अबे को ड्रॉप करके मैं जा रही हूँ, बहुत अच्छा दिन है, काम पे सीधा इधर से और ब्यूटीफुल वेदर अच्छा है, इसलिए ब्यूटीफुल डे है मंडे का. नाइस एंड ब्राइट. धूप यहाँ पे कम ही निकली है इस साल, तो यहाँ तो बारिश होती है, यहाँ मगी सा डे होता है, मगर आज अच्छा है, धूप निकली है. तो अभी मैं और अभय आए हैं पार्क में. वेदर तो इतना अच्छा नहीं है, मगर अभय को आना था पार्क में, चक्कर लगाना था, तो हम माँ बेटा आ गए, है ना अभय? Yes. We don't mind. We don't mind what? We don't mind to come out. Helen say I want homework. I have homework. I don't want to come. And Vijay say I'm okay. I want to relax and watch TV. And me and Abhay say okay. Yeah. And me and Abhay say we're okay to come out. Right? Push me faster. Faster and faster? Okay. Yeah. I'll do that. तो अभी सनसेट हो गया है, मगर फिर भी ब्राइट है, थोड़ी देर रहेगा ऐसे उजाला उजाला सा. इट्स नाइस टू कम आउट विद अबे. नाउ अबे पुश मी वेरी फास्ट. डू यू वांट सम वाटर बिकॉज़ यू राइड स्कूटर? नो आई डोंट वांट. अबे अभी स्कूटर चला के आया है, वो वाला ये वाला टू व्हील वाला स्कूटर चला के आया है. रियली रियली फास्ट इसको जाना है. हम लोग कर रहे हैं अभी स्विंग. सही हो? यह योर स्कूटर इज फाइन. इट्स नॉट दैट मेनी पीपल बिकॉज अभी टाइम हो गया है, 7 बज गए, सनसेट हो गया है और कल स्कूल है, इसलिए लोग घर से नहीं निकलते इस टाइम पे. यहाँ तो इस टाइम पे वापस घर चले जाते हैं. अगर 4 o'clock, 5 o'clock बच्चों को लेके आते हैं, एक चक्कर लगाने आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तंग पड़ जाते हैं घर के अंदर, है ना अभी? यू गेट टायर्ड एट होम, सो यू वांट कम आउट. ये अभी बोर हो रहा था घर पे, ये सो ही वांटेड टू डू दिस इज बेटर. बच्चे यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, इससे अच्छा है बाहर निकले. होमवर्क, हेलन को होमवर्क ज़्यादा होता है, अभय को इतना अभी नहीं है, मगर फिर भी अभय को भी होमवर्क तो होता है, प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं, जो हमने अभी कर लिया है ना, वी डन द रॉबर्ट प्रोजेक्ट. अभी फिर से अगस्त वाली छुट्टियों में एक और प्रोजेक्ट वर्क देंगे. हाँ, सो ये है मम्मी एंड सन टाइम, थोड़ा सा मेरा और अभय का टाइम साथ में. सीताराम टू एवरीवन. सो आज है दिन सैटरडे और तारीख है 13th of July और अभय भाई इधर बैठे हैं और अभय खा रहा है भजिया, है ना? पकोड़े. मम्मी मेड अ भजिया. अभय बिल्कुल नहीं पसंद करता भजिया वजिया कुछ भी. वो जैसे बच्चे लाइक करते खाना नया कुछ घर में बने तो खुश हो जाते हैं, ये बच्चे कुछ भी नहीं खाते घर का फ्रेश बना हुआ भजिया या ऐसी चीज़ें. मगर मैं और विजय खाते हैं सारी चीज़ें. अभी बनाए हैं मेथी वाले पकोड़ा, मेथी धनिया अनियन पोटैटो सब डाल के बहुत बहुत अच्छे बने, नाइस एंड सॉफ्ट फ्लफी. तो भजिया बन के रेडी है वीकेंड में, विजय अभी काम से आए. तो ये है वीकेंड का प्रोग्राम, दिखाते हैं आपको बाहर का वेदर. तो क्लीनिंग फ्राइडे ही कर लिया था, साफ सफाई सब, तो अभी थोड़ा सा टचअप था सुबह उठ के, वो कर लिया और दिन अच्छा जा रहा है. विजय अभी आए, काम अच्छा है, ठंड सा ठंड इतनी नहीं है और धूप भी नहीं है, अच्छा है, रेनी रेनी वेदर है.
और ये नेबर का बच्चा साथ में बात कर रहे हैं। पकोड़े तो बच्चे नहीं खाते मगर बच्चे ये खा लेंगे। सो वीकेंड का नाश्ता और फन हो गया। डेली नहीं बना सकती मैं पकोड़े और कुछ भी फ्राई वाली चीज़ें क्योंकि काम पे जाना होता है और वीकेंड में कुछ टाइम मिल जाता है। रोटी रोटी का डो बनाया है और उसका बना रहा है ये पेड़ा। जो पेड़ा बना के रोटी बनाते हैं ना, मैं और अभय बना रहे हैं रोटियां। आज का है आटे का डो जो है वो अभय ने बना के दिया है मम्मी को। फर्स्ट टाइम अभय मेड आटा डो रोटी का। उसने आटा मुझे बना के दे दिया और मैं बना रही हूँ ताजा ताजा रोटियां। ताज़ा ताज़ा रोटियां पक्के है रेडी। इसको बटर लगाना है और हेलन हमें हेल्प नहीं कर रही है ना भाई। शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस। बोलती है आज मैं नहीं हेल्प करूँगी। शी जस्ट वांट टू रिलैक्स। शी डजंट वांट टू हेल्प अस। शी हैड अ लॉन्ग डे। ओके बट अभय इज हेल्पिंग मी। मुझे वो पेड़े बना के दे रहा है अभी आटे का ये। और हमने यहाँ पे जो वेजिटेबल अभी काटा है उसके छिलके में फेंकूंगी। अभी बैग में रखे हुए हैं। हमने ऑलरेडी डिनर खा लिया है। फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल तुरिया की करी बनाई थी और थोड़ी रोटियाँ पका के खा लिया। अभी थोड़ी जो बाकी रह गई थी वो की हमने। अभी ताज़ा ताज़ा रोटी पकाई है विजय के लिए और अभी कर रहा है मुझे मम्मी को रोटी बनाने में हेल्प है ना अभी। अभी आगे मैं शॉपिंग लेने से इधर से उठा लिए वाटरमेलन मैंगोज। ये बिल्कुल हमारे घर से नज़दीक रहता है शॉपिंग का इलाका। तो आ गई मैं इधर शॉपिंग उठाने। वेजिटेबल मैंगो के दो डब्बे लिए हैं, वाटरमेलन लिया और वेजिटेबल ड्रमस्टिक है तुरिया गुआर ये सब लिया।
इतना सा शॉपिंग हमें हो जाता है। मगर जब तक मैंगो की सीजन है मैं लेती रहती हूँ मैंगो, कि फिर मिलेगा नहीं।